अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं और मम्मा जा रहे हैं शादी में, लोरन कज़न की शादी है और किटी भी जा रही है हमारे साथ छोटी सी। तो काफ़ी लेट हो गए हैं, हमें 12 बजे निकलना था, 3:30 हो गए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, गाड़ी में बैठेंगे, फिर मैं आपको मिलती हूँ आगे। और ये देखो किट्टी को मैंने कहाँ रखा है, ये बाहर आने की कोशिश कर रही है। हाँ जी इधर आओ, बाहर आने। इस टाइम हम लोग जा रहे हैं शादी में, पहले हम कज़न के घर बैठे हुए थे। अंधेरा देखो, बुलाओ बुलाओ, बुला जा किटी, बुला जा। आ गई आ गई आ गई, ऐसे प्यार से बुलाओ ना, फिर आ जाएगी। रुपया ना डंडे से डरती है ना, इसलिए नहीं आती। आप प्यार से बुलाओ ना, डंडा पीछे रख के, तो ऐसे बोलो आ जा किटी। आजा किटी आजा, किटी आजा, डंडा डंडा छुपा ले, डंडा छुपा ले, वो फिर डरती है। किटी आजा, बोलो डांग मारूंगा, ऐसे 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 बोलो, आजा, बोलो ऐसे करो। ओ आ गई, हाय रुपयान मारा नहीं, रुपयान मारा नहीं, रुपयान प्लीज रुपयान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज है बारात का दिन, रात को मैं शूट नहीं कर पाई मेहंदी का, क्योंकि यहाँ पे बहुत लेट सारी रस्में हुई थी और हम लोग सोने के लिए चले गए थे, 12 बज गए थे जब हम लोग गए थे, तो इसलिए मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। आज अब रात का दिन और हम तैयार होके आ चुके हैं, पीछे मम्मा है। अब हम लोग जा रहे हैं दुल्हन के घर, अभी हम लोग चाचू औरों के घर थे अपने, तो अभी जा रहे हैं दुल्हन औरों के घर, वहाँ पे देखते हैं दुल्हन तैयार हुई है या नहीं। और ये देखो यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ सामने पास फॉग वगैरह पड़ी थी, छोटी छोटी बारिश हो रही थी। और यहाँ सामने आपको दिख रहा होगा, ये मेरे ताऊ का घर है, और यहाँ पे ना सेकंड बारात का वेट हो रहा है, मतलब जो दूसरी बारात आनी थी उसका वेट हो रहा है, पहली वाली आ चुकी थी, फाइनली दूसरी बारात भी आ गई। और यहाँ पे दुल्हन को बाहर लाते हैं, जो भी बारात आती है दूल्हे के साथ जो भी आते हैं, मतलब उनको काउंट वगैरह करते हैं, ये एक रस्म होती है, इसलिए दुल्हन को बाहर लाया हुआ था। ये डोली वगैरह लाते हैं, इसमें बैठ के जाती है दुल्हन, जहाँ तक गाड़ी नहीं होती वहाँ तक। और फिर जैसे ही दूल्हा बेचारा पहुंचा तो बारिश शुरू होगी बहुत ज़्यादा, फिर यहाँ पे कज़न्स वगैरह सारे, यहाँ पे एक रस्म होती है, रिबन कट करवाते हैं गेट पे, तो ये वहाँ हंसी मजाक चल रहा था सब, बेचारा दूल्हा पूरा भीग गया था, बुरी कंडीशन हो गई थी दूल्हे की, उसने भी बेचारे ने सोचा होगा मैंने क्यों ज़िद किया आज, मैं कहाँ फंस गया। तो यहाँ पर ये सब हो रहा था उसके बाद, और इन दोनों ने ना दूल्हे की बहुत बुरी कंडीशन की है, बारिश में इतने टाइम खड़ा रखा है, इतना भिगाया है बेचारे को, बट ये है कि जीते यही हैं, दूल्हे को जीतने नहीं दिया बेचारा, इतनी देर भीगा भी कि शायद मैं जीत जाऊं, लेकिन फिर भी उसको जीतने नहीं दिया, ये दोनों ही जीत के आए हैं, देख लो इनको अच्छे से। और ये थी मेरी छोटी वाली कज़न, उसकी निकाह की तैयारी हो रही थी, और ये जो है सामने ये दूसरी वाली कज़न बैठी है, छोटी वाली कज़न है, उसकी बारात थोड़ी दूर से आई है, उसका निकाह वगैरह सब कुछ पहले होगा, और ये वाली कज़न है इसका पास में ही है। और ये हो रहा है मेरी दूसरी कज़न का निकाह, बड़ी वाली का, छोटी वाली का हो चुका है और ये बड़ी वाली का अब निकाह हो रहा था।
निकाह हुआ, उसके बाद फिर सब लोग बैठे हुए थे, सब दुआ करते निकाह के बाद, ये सब दुआ वगैरह मांग रहे थे सारे। और फिर हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, फिर फाइनली हमें खाना मिला और हमने खाना खाया पेट भर के। तो फाइनली हम लोग खाना खा के आ गए हैं, इतनी भूख लगी थी, इतनी भूख लगी थी, पेट में चूहे दौड़ रहे थे। तो अब खाना खा लिया हम लोगों ने, अब आए हैं चाचू और उनके घर, ताऊ और उनके घर। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से क्योंकि बारिश थोड़ी रुकी हुई है। तो फिर अब हम जा रहे हैं क्योंकि बारिश थोड़ी कम है, दोनों डोलियां भी जा रही हैं। एक शादी है, एक शादी में दो दूल्हे हैं, दो दूल्हे हैं, ठीक है, कितने हो गए, चार। बारिश बंद हो गई है तो अब निकलते हैं, हम चाय वगैरह पी लेते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं घर के लिए, पहुँच के लिए। बाय बाय, मिलते हैं आपको आगे। ये देखिए दुपट्टा कहाँ आपका, जल्दी रखो। चलो चाय लो, चाय लो, पूरी ट्रे नहीं बोली, चखने के लिए दी आपने, पूरा हाथ ही खा लिया। बिस्कुट लो एक, लेना ज्यादा नहीं दिया बस, चुवे नहीं पूरे हुए सुबह से। चलो हम भी चाय पी लेते हैं गाइस। ये देखो यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, रियल में तो बहुत अच्छा लग रहा था, कैमरे में पता नहीं कैसा दिख रहा होगा आप लोगों को, बट बहुत दिल लग रहा था यहाँ पे, इतना अच्छा मौसम। फाइनली हम रोड में आ गए हैं, थोड़ी बारिश हो रही है, अभी हम गाड़ी पे बैठते हैं फिर चलते हैं। हेलो, हम लोग पहुंच गए थे घर, फिर हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी, खाना खाया, उसके बाद हम लोग सो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हुए थे। तो मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें सबके साथ। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।